गुड मॉर्निंग कहान साहब। गुड मॉर्निंग बुर्जू, मेरे लिए कॉफी ला सकती हो? बिल्कुल। आपके कुछ मेहमान हैं जो रूम में आपका वेट कर रहे हैं। कौन से मेहमान? पुलिस स्टेशन से आए हैं। खुश आमदीद। ऑफिसर कादिर, स्पेशल डिपार्टमेंट से। बैठिए, बैठ के बात करते हैं। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? रिजा पक दिमीर, ये नाम आप जानते हैं? फिर से कहिएगा, क्या कहा आपने? रिजा पक दिमीर। मैं नहीं जानता। उसकी फैमिली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। नंबर प्लेट फॉलो करने के बाद पार्किंग में सबसे आखिर में ये गाड़ी दिखाई दी है। कुछ घंटों बाद ये कार पार्किंग से निकली है। सिक्योरिटी फॉलो ना होने की वजह से वो आंखों से ओझल हो गई। कंपनी के सबसे खास शख्स होने की वजह से मैंने आपसे मिलना चाहा। क्या आप रिजा पक दिमीर को जानते हैं कहान साहब? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए प्लीज मुझ पर रहम करे मुझ पर, जाने दे मुझे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जाने दे मुझे। मैं ये सब नहीं कर सकता। कहान साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इस कंपनी में हजारों लोगों की गाड़ियां आती है, तो मैं सबको तो नहीं जान सकता ना। ओके, हम फिर भी रास्ते में रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो ये मेरा कार्ड है, कॉल कर लीजिए। जरूर। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आप है और सिलेक्शंस आपकी। आपकी सिलेक्शंस की वजह से मुझे वो काम करने पड़ जाते हैं जो मैं पसंद नहीं करता। थोड़ी देर पहले एक बंदा आया था, जानती है कहाँ से आया था? वो पुलिस से था। क्यों आया था, चाहता क्या है? एक इंसान गायब हो गया, उसकी तलाश में यहाँ तक आ गया था वो। तुम्हारा उससे क्या वास्ता कहान? क्या कहा? टैनर को सपोर्ट किया मैंने, मतलब नहीं किया। तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया। वो आदमी करीम अगलू नहीं है, लेकिन हमारे सर नेम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से हुआ है, वरना वो इतनी बड़ी जुर्रत कभी भी नहीं कर पाता। कुछ भी करके इस आदमी को रोक ले। ये तुमसे ज्यादा मैं चाहती हूँ, जानते हो आसान नहीं है बिल्कुल। उसे जो भी चाहिए मिल जाएगा, डील करें अम्मी। अरे हटाओ हटाओ। ज़ैनब मैडम, आपको यहां देखकर तो मैं हैरान हो गया, कैसे आना हुआ? एक बात करने के लिए आई हूं यहां टेनर। जी हुकुम करें, आइए बैठ के बात करते हैं। बैठिए प्लीज। थैंक्स। हाँ तो मुझ पर कौन सा सरप्राइज का कर्ज था ये? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है टेनर। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो फिर बात करते हुए कॉफी पीते हैं, सिंपल कॉफी। जफर भाई, हमारे लिए दो सिंपल कॉफी। अभी लाया सर। मैं तो हैरान हूं आप मुझसे मदद मांगने के लिए आई हैं यहाँ पर, तो बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी?
मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कानूनी तरीके से हल नहीं निकाला जा सकता। ये मेरी जिंदगी का सवाल है टेनर। अच्छा, तो सिचुएशन इतनी सीरियस है। बताइए फिर क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी खतरे में है, और अगर उसको कुछ हुआ तो हम दोनों के अलावा एक और भी है जो बर्बाद हो जाएगा। लैला के बारे में बात कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहन और मेरे बेटे का इश्क चल रहा है, और मेरे ख्याल में उसकी हमसफर बनने के लिए बड़ी बेचैन है वो। पॉइंट पर आइए, क्या चाहती हैं आप मुझसे? मुझे किसी भी सेफ जगह पहुंचा दो, उसकी हर कीमत मुझे कबूल है। आपने कहा कीमत जो भी हो। जो तुम चाहोगे। अगर काम खराब हो जाता, मैं डरकर भाग जाती, तो करीम ओग्लू का नाम कब का मिट चुका होता। काश ऐसा ही होता तो हम कोई ढंग का काम कर लेते जिससे हमारी इज्जत होती अम्मी, और इस सरनेम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेल्फिश मत बनो, तुम्हारी ठुकराने वाली चीज को लेने के लिए बाहर बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। करीम ओग्लू होने के लिए अपने हाथ कटवाने वाले भी बहुत से लोग देखे हैं मैंने। हाँ तो आपने भी तो हाथ पैर काटने वाली चीज को अपनी फैमिली में घुसेड़ लिया अम्मी। उस आदमी को तुमने दूर भेज दिया, क्या कारनामा किया है तुम्हारे बेटे ने? मुझे पता था कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। चाहे तुम ये बात कबूल ना करो, लेकिन हम एक बहुत अच्छी टीम है, कॉमन। तुम, मैं, तुम्हारी मां लैला, हमें कोई नहीं हरा सकता। Hmm.